वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जी। तो हम इस वक्त ताजगढ़ मौजूद हैं। ये बेसिकली सी पैक से तकरीबन 16 किलोमीटर अवे है और यहाँ पे आमों के बागात हैं। हम यहाँ से फ्रेश आम इंशाल्लाह ताला वाइट चौंसा तोड़ के लाएंगे। हमारे साथ हैं ये काशिफ फ्रेंड हैं, ये कुछ एड्रेस का इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए थे। तो इंशाल्लाह ताला सी यू देन, देखते हैं कैसे लगते हैं यहाँ पे। जी गाइस, तो हम ये तकरीबन अब बागों की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम मेन रोड से नीचे उतरे, ये बेसिकली अलहयात का भट्टा है, इसके बाद से हमने नीचे उतरना था और अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला चौंसे के बागों में। और ये देखिए कच्चा सा रास्ता है, तो देखते हैं कि कैसा लगता है। अभी हमने यहाँ से आम, स्पेशल आम लेने हैं, तो आ करें हमारी गाड़ी की अप्रोचेबल हो, गाड़ी वहाँ तक पहुँचे आराम से, ताकि हम आराम से आम लें और फिर हम वापस आए। देन हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपको बागों के पास जाके। जी तो गाड़ी हमने पीछे रोक दी है क्योंकि आगे गाड़ी का एक्सेस नहीं था। तो अभी हम ये, इसको मकई कहते हैं, शनी मकई है, ये छली है ना, ये छली को। हाँ, तो ये इसके खेतों से हम गुजर रहे हैं। देखें ये भट्टे वाले काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स लाइक अ वेरी लवली कूल एंड काम प्लेस राइट नाउ बिकॉज इट्स 8:00 8 AM है और बिल्कुल खामोशी है। हाँ, इसी बहाने थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। काशिफ भी कह रहे हैं कि अल्लाह करे मिर्जे, मेरे साथ काशिफ हैं, राणा साहब हैं जी, ये मुझे लेके आए स्पेशल। तो देखते हैं, पता चले व्लॉग कंप्लीट नहीं हो सका अगर मैंगो हमें ना मिल सके तो। गाइस, रास्ता नहीं है आगे, हमें लाइक खेतों में से गुजरना पड़ रहा है। देखें आगे राणा साहब आगे जा रहे हैं और ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, खेतों से गुजर रहा हूँ। इट्स रियली फन फॉर मी एज वेल एंड लिटिल बिट स्केरी फॉर मी एज वेल, कुछ भी कह सकते हैं। गीले गीले हैं, कोई जानवर को कीड़ा भी हो सकता है। लाइक मैंने सुबह गेम की थी बैडमिंटन और मैंने आई जस्ट वेयरिंग अ शॉर्ट एज वेल, शॉर्ट पहनी हुई है। थैंक्स, थोड़ा सा पैच था। यू कैन सी द वॉइस। चाचा कुर्बान की था है। लाइक ये देखें जी, आम के दरख्त हैं चौंसे के। वहां से हमें आम तोड़ने हैं। लाइक वेरी लवली गाइस, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल सका और ये हमारा इस खेत में से आना रायगा गया। लाइक वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईस्ट। अगेन इट्स वेरी स्केरी फॉर मी। Oh my God! गिरते गिरते बचे हैं। लाइक कह सकते हैं नहीं, मैं थकता थकता नहीं हूँ, लेकिन वो जो, हाँ वो मुझे कट कुट लगे होंगे पैरों में ना, क्योंकि वो जो फिर रही थी मुझे लग रहा था, क्योंकि ये ना कॉर्नर इसके बड़े शार्पली। वंस इन अ लाइफ इट्स गुड फॉर यू व्हेन यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस। चले कोई नहीं यार, खैर कोई बात,
किसी और से कर लेंगे, देखेंगे नसीब की बात, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आज ना मिला तो फिर देख लेंगे किसी से होमवर्क करके आएंगे, मिल जाएगा सर। वो ना नंबर नहीं उठा रहा, फोन सुबह से चल ये हरामी बीच में आ गया। Guys, you can see with your eyes that there's lot of mangoes on the trees. So really, really amazing for me as well. बहुत मजा आ रहा है आमों को देख के, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक जबरदस्त बहुत खूबसूरत आमों के दरख्त हैं, काफी ज्यादा हैं, बाग हैं, लेकिन हम अभी तक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सके। We are just wandering and searching for someone. साकिब भाई, ये देखें आपके लिए हम वाइट चौंसा। के बाग में आए हैं, ये देखें यार, ये देखें देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं हमारे मुल्क में। यू कैन सी, देखें जी कितना छोटा सा ये दरख्त है, और इट्स रियली अमेजिंग कि इतने छोटे से दरख्त पे, लाइक आप देखें, इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट, अ स्मॉल प्लांट, और मैंगो का साइज़ देखें, वाओ इट्स ब्यूटी। आप देखें मैंगो का साइज़, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंगो का साइज़ मेरे हाथ जितना है। इट्स रियली, ये वाला देखिए मैंगो सर, क्या बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमों का सीजन अपने जोवन पर है गाइस, रहमत है, ये अल्लाह ताला की शान है। पूरी दुनिया में आम यहाँ से जाते हैं, पूरी दुनिया में आम यहाँ से जाते हैं। हेलो नीलेश भाई, नीलेश भाई, वी आर हियर इन मैंगोज गार्डन, यू नो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मैंगोज हियर, सो ये मैंगो नीलेश भाई आपके लिए है। लुक क्या खूबसूरत मैंगो है, ये सारे के सारे मैंगो सर ट्रैवल इसी तरह करते हैं, लाइक ये कच्चे होते हैं, इनको पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद जो है ये रास्ते में पकते हैं, 2-3 ईयर्स लगते हैं इनके पकने में। मैंगो का साइज भी बहुत अच्छा है, नीलेश भाई ये आपके लिए मैंगो, पाकिस्तान का फेवरेट मैंगो चौंसा आम, नीलेश भाई। ये जी कुछ मैंगोज की पिक्चर्स वीडियोस फॉर यू गाइस, देखें मैंगो ट्री है, झुका हुआ है, फल लगा हुआ है, वो लाइक डाउन टू अर्थ है, इट्स वेरी नाइस। हादिया जी देखें पाकिस्तानी आम, आपको जो पाकिस्तानी आम पहुंचते हैं वो देखें, हादिया जी ये देखें पाकिस्तानी आम आपको यहाँ से पहुंचते हैं, बिल्कुल आमों का सीज़न है, अपने अरूज पर है, और देख लें आप माशाल्लाह। नीलेश भाई आमों के बाग में हम आए हैं, और ये आपके लिए एक गिफ्ट आम है जो कि सिर्फ वर्चुअल तौर पर हम आपको भेज सकते हैं। नीलेश भाई लुक जी नाज़रीन, तो हम कल हमें आम नहीं मिले थे, आज हम आए हैं एक और जगह पे, वही बंदा है जो हमें कल नहीं मिला था वो हमें लेके आया है इस जगह पे आम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? साढ़े बॉस हैं जी ये गाइस, हमारे साथ भी आए हैं साथ।
ओ यार बोरियां पीछे पड़ी सर, वो कोयल को कैप्चर करें प्लीज, जोड़ा बैठा पूरा इधर आए इधर। वाओ आउल इज देयर, आउल इज देयर, यू कैन सी द आउल इज देयर एंड कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु। सर ग्रेट ये मीना बात देखें यार, ये मेरा व्लॉग बन रहा है जरा इतिहास से जो है ना बोलें गंदा ना बोले ना आपने पहले इंशाल्लाह। देखें सर ये आमों के बागात हैं, यहाँ से आम हम तोड़, वो देखें एक बंदा लगा हुआ ऊपर आम तोड़ रहा है और तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा है। गाइस ये देखें ये फ्रेश आम तोड़ के अभी नीचे बिस्तर पे लटाए हैं, इसमें से पक्के भी थोड़े से पक भी गए हैं ऊपर, तो कच्चे कच्चे आम लेने हैं। देखें अब क्या सूरत हाल बनती है गाइस, पेटियां इज देयर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हमारे भाई आप क्या कहते हैं आमों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इस वक्त आप मेरे व्लॉग में हैं और आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं। जी, आमों का एक बात दुनिया के अंदर बेहतरीन इलाका है, यहाँ के आम पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिस क्वालिटी के आम रहीमिया खान की इस इलाके में पाए जाते हैं कहीं भी नहीं पाए जाते। और इस इलाके का जो सबसे फेमस आम है जो कि लेने की गर्ज से हम आज यहाँ आए हैं वो है चौंसा, वाइट चौंसा। सो आज हम लेते हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं कि बेसिकली वो आम की क्या क्वालिटी है और वो किस साइज़ में और किस तरह की शेप के अंदर यहाँ पाया जाता है। लेट्स सी। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने थोड़ा सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दिया कि चौंसा आम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई। चाचा जी लेके आ रहे हैं जी, और ये चाचा जी ये हमें जी पहले ये बताएं जी कौन सा आम है जी? पेड़ के पके हुए ना, चौंसा आम है जी माशाल्लाह चाचा जी, पेड़ का पका हुआ चौंसा आम अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। पेड़ का पका कहते हैं और उसकी मिठास जैसी मिठास आपको कभी भी किसी पेटी में नहीं मिलेगी, इसका टेस्ट ऐसा नहीं आपको कहीं और मिलेगा। और इसको थोड़ा सा किसी पानी के अंदर ठंडा करके खाया जाता है, ज़्यादा ये लड़की को अच्छा लगता है। यानी कि ट्यूबवेल भी होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ तो इसको हम चूसेंगे? नहीं आप इसको थोड़ा सा बदतमीज लाजमी खाएंगे तो मज़ा है। ये साजिद भाई अपने हाथ से मैंगो को खोल रहे हैं, ये चीज़ मेरे अजीज बताएं सर आप अपना मैंगो दिखाएं, आपने कैसे खोला है? ये बड़े प्यार से हमने इसका छिलका डाल लिया, थैंक यू। ये सीरियसली ऐसा टेस्ट नहीं मिल सकता कहीं भी जी गाइस। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मैंगोस राइट नाउ, क्योंकि हमारे लिए पैक कर रहे हैं आम चाचा बशीर, नहीं चाचा अकबर सॉरी यार, चाचा अकबर खैर इसको हवा लगी कब तक टूटे हुए? ये कितने हवा लगी थी हम लगा रही है, ये सुबह आने लगी थी। तो ये हम इसको पेटी असल में करवा लें, वो जो आप कह रहे थे यार बात कर जी हुक्म है यार काशिफ, वो पेटियों वाली बात भी कर लें। देखो जी हमने मैंगोज ढेरी लगवा दी हैं, अब इसको हम पैकिंग की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह यहीं से, ताकि मामला पैकिंग की तरफ मैं हुआ। यार ये मुझे लगता है जल्दी पक जाएंगे। नहीं नहीं
तीन दिन तो वो जो रिक्वायर्ड है वो बहुत पक रहा है। इसको मसाला लगाए बगैर ना रख दें, बगैर बगैर मसाले के तीन से चार दिन। हाँ बगैर मसाले के रखते हैं। राम लाल चाचा ये लगा सारी शर्ट। हाँ ये वही जो आप दाग की बात करें ना वो इसके लगे हुए हैं चाचे। और ये दाग बेसिकली स्किन को भी नुकसान देते हैं। लेकिन दाग अच्छे तो नहीं होते, ये बुरे वाले दाग, वो सिर्फ एक्सेल वाले जो कहते हैं। राजी भाई आप इसके बागों के अंदर जाए ना तो आपको लम्हा भर के लिए वो जो आर्टिकल ड्रामे में आजकल नहीं देख रहे हो घने जंगलों में जा गुम हो जाते हैं और वो जो क्या नाम है मंगोल, वो वाला सीन नजर आएगा आपको। निकले अंदर से इधर नहीं निकलते, इधर तो हम अभी खड़े हैं ओपन एरिया के पास। ताकि भाई जानी आपके मिला जुला के बड़े छोटे के मिक्स करना ताकि ना किसी को फील ना आए। नहीं नहीं ऐसे गिफ्टिंग करनी है जी। अमार जो है आम उतारने के लिए जा रहे हैं। काश कि आपको उतारना आता होता आम। नहीं यार ये आप कांप रहे हैं, आपके हाथ आपकी कांप रहे हैं, टांग रही हैं। हमने आम निकाला है। ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा है इस इलाके में ना। ये देखें अभी इसका भी पानी भी आम की गर्मी। वेरी नाइस। वो तो आज कल कितने कितने भी बोलेगा ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने शुरू किया आप काम, मैंने आज कल में शुरू किया, मतलब असल में मैंने अभी शुरू, पहले बहुत पुरानी वीडियोस थी छोड़ दिया था, काम ही नहीं किया कभी। लेकिन मैंने सोच लिया हम गाइस ये देखें आम पका हुआ आम खूबसूरत ये, और ये कैश नहीं कर सके हमार। ये देखें जी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, अभी हमने 10 पेटियां यहाँ पे घुसा दी हैं, अभी एक पेटी और आ रही है। वो देखें बोरा भी है पीछे, ये बॉय जवान आ रहे हैं। नहीं चेक कर चुका हूँ मैं जी। आमों की परचेज की और आमों को सर्च करने की ये जर्नी यहाँ पर काम पड़ी हुई। आप यू कैन सी दैट कोयल इज़ ऑन माय टॉप। मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिखा दूँ कि ये ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर की कोयल बहुत ही प्यारी साउंड है। ये है जी जो मैं आज तक बचपन से ये सोचता रहा कि कोयल मतलब किस तरह की होगी। लेकिन थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर। बिशारत आर वाई के।